मोटे लग्गों को मशीन पर चढ़ा दिया जाता है ताकि इसमें से पत्ता निकाला जा सके, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और इसमें से लंबी चादर निकलती है जिसको हम पत्ता बोलते हैं। मोटा लग्गा जब एक सिमेट्रिकल शेप में आ जाता है तो फिर इसको दूसरी मशीन में डाला जाता है, जैसे कि बचे हुए पत्ते को भी निकाल लें और साथ ही साथ इक्वल प्रोपोर्शन में भी काट लिया जाए। यह काम खास मशीनों द्वारा किया जाता है जो कि चाइना से इम्पोर्ट होती है, और ये बहुत मदद करती है इनको इक्वल प्रोपोर्शन में काटने की। बचे हुए कचरे को जबड़ा कहा जाता है और इसमें से भी छनाई करके उसको सारा उपयोग कर लिया जाता है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। बचे हुए जबड़े का उपयोग किया जाता है बर्नर में, जिसकी मदद से सारे पत्तों को सुखाया जाता है और ये प्रक्रिया रहती है 25 मिनट की। पत्तों के सूखने के बाद इनको मेन प्रोडक्शन हाउस में लेकर जाया जाता है, जहाँ पे इनके ऊपर एक स्पेशल तरीके की लेप लगाई जाती है जिसको रेजिन कहा जाता है। ये बनती है मैदे से। लेप लगने के बाद इन पत्तों की एक लेयर बनाई जाती है और फिर इस लेयर को डाला जाता है कंप्रेशर मशीन, जिसमें इस लेयर को काफी दबाव झेलना पड़ता है और साथ ही साथ इसको काफी तापमान पे भी सिकाया जाता है 25 मिनट के लिए। कंप्रेस और सिकाई के बाद 25 मिनट बाद इस प्लेट को निकाल